सबसे पहले हम लोग एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन जो है अपोजिट है, राइट। और मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर यह है कि आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है। आप ट्राई करिए इसको। मैं यहां पे ऐसे लाइन ज्वाइन कर देता हूं, राइट। अब मुझे अगर इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं जहां पे सिमेट्रिकल लाइंस या सिमेट्रिकल पॉइंट्स है उसका मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए तो सही रहेगा, राइट। तो मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ज्वाइन करता हूं, यहां आएगा, राइट। अब ये देखिए आप इस लाइन पे अगर मान लीजिए इसकी वजह से फील्ड है तो किस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ ऐसे होगी, राइट। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड ऐसी होगी, राइट। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और क्योंकि ये लाइन सिमेट्रिकल है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट। तो अगर मैं इसको बोल दूं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, अलोंग वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैंसल आउट हो जा रही है, राइट। कहने का मतलब इसका कंपोनेंट यहां पे और इसका कंपोनेंट यहां पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट नेट जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी दोस्त। ये अगर E है और ये भी अगर E है, इसको अगर आप थीटा बोल दिए तो ये हो जाएगा 2E साइन थीटा, राइट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हॉरिजॉन्टल आ रही है, राइट। इसी तरह से कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस लाइन पे, हमेशा फील्ड लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल आएगी और पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगी, राइट। तो अगर कोई फील्ड लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और उस तरफ जा रही है तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टली कट करना है उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक तरह से क्रिटिकल सिचुएशन हमने एनालाइज कर ली है। और एक और चीज, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बहुत क्लोज हूं तो इसका इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा जैसे आइसोलेटेड रखा हुआ है, राइट। तो जब निकलेंगी फील्ड लाइंस उनको पता नहीं होगा कि यहां नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। और सिमिलरली जब ये अपने फील्ड लाइंस इनसाइड आ रही होंगी इसमें तब भी वो सिमेट्रिकली ऐसे आएंगी अगर बहुत पास में है चार्ज के, बिकॉज तब इसका बहुत इन्फ्लुएंस होगा, इसका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे इसके और इसके, दोनों का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, राइट। अब होगा क्या कि ये जो फील्ड लाइन निकली है इसको जाना है इन्फिनिटी, या तो नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, राइट। अगर इसको नेगेटिव चार्ज में एंड होना है, नेगेटिव चार्ज ये रहा तो इसको यहां से यहां जाना है तो कैसे जाएगा, इस लाइन को उसको हॉरिजॉन्टली कट करना पड़ेगा अगर जाना है तो इसीलिए ये लाइन ऐसे आती है, ये बेंड होती है और फिर इधर एंड होती है इस तरह से। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी बना सकता हूं। ओके, और ये लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर दो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, राइट। दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ है, अगर एक का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन यहां पर ज्यादा होंगी, ठीक है। अगर मैं मानूं कि ये ज्यादा चार्ज है, लेकिन अगर इक्वल है तो सिमेट्रिकल फील्ड लाइंस होगी इस तरह से। ओके, अब मैं एक ऐसी सिचुएशन लेता हूं जिसमें टू चार्जेस हैं जो कि सेम साइन के हैं, राइट। मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, अगर दोनों नेगेटिव लूंगा तो भी सिमिलर लुकिंग फील्ड ही होगी, लेकिन बस एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, राइट। अगेन आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए इस तरह से, आप ये पाएंगे अगर इसको Q और Q ले लें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहां पर जाएगी ऐसे, और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरह से जाएगी। ओके, तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए, ये X है ये Y है, along x axis net electric field zero हो जा रही है क्योंकि इसका component horizontal इसके horizontal component को cancel कर देगा, लेकिन vertical component जो है दोनों का add होगा,
राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यहां से फील्ड लाइन आ रही है और इस लाइन को उसको रीच करना है तो वो इसको पैरेलली रीच करेगी। कहने का मतलब ये लाइन एक तरह से एसिम्प्टोट हो जाती है फील्ड लाइन के लिए। ओके, तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। ये जब फील्ड लाइन यहां से निकलेंगी तो एज इफ सिंगल चार्ज है, फिर इसके इन्फ्लुएंस में आके ऐसे हो जाएंगी। ये रहा डायरेक्शन फील्ड लाइन का, राइट। इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि फील्ड लाइंस होंगी। ओके, तो ये हो गई फील्ड लाइन। टू पॉजिटिव चार्जेस अगर रखे हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो बस जो एरो का डायरेक्शन है रिवर्स हो जाएगा, बल्कि लुके दिखेगा ऐसे ही। ओके, अब सिनेरियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। समझ लीजिए आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर में आपने चार चार्जेस इस तरह से रखे हुए हैं। यहां पे ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये क्यू है और ये क्यू है, ठीक है। अब इसका आप ट्राई करिए बनाने के लिए। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आएगा कि व्हाई नॉट इस तरह की चीजें बना ली जाए पहले से। इस इन सब लाइंस के अक्रॉस अगर मुझे डायरेक्शन पता लग जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, ये लाइन तो एसिम्प्टोट होगी इन दोनों के लिए भी और इन दोनों के लिए भी। तो फील्ड लाइन अगर यहां से निकलेंगी तो इसका एसिम्प्टोट होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस लाइन? इस लाइन के अक्रॉस भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए इन दोनों की वजह से एसिम्प्टोट होनी चाहिए। तो ये भी एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट है, सारे एसिम्प्टोट है, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। फाइन, इस तरह से फील्ड लाइंस इसकी होंगी और बाकी सबकी भी। ऑलराइट, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आप ये समझ लीजिए ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब इसको ट्राई करिए बनाने का फील्ड लाइन। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हैं फील्ड लाइंस के कैसी दिखेंगी, क्या उसका ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज होगा, राइट। अब हम क्वांटिटेटिवली असेस करते हैं, मतलब कि मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता करनी है। सिर्फ डायरेक्शन देख के, ज्योमेट्री देख के सवाल हल नहीं होते हैं, राइट। तो मुझे ये मालूम है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, और मुझे ये चीज यूज करनी है। तो समझ लीजिए कि आपके पास ये सिनारियो है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, और आपको निकालना है फील्ड अलोंग दिस लाइन। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको इसके अक्रॉस फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस सेंटर। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप डायरेक्शन जान लीजिए। इसको मैं ले लेता हूं, ये डिस्टेंस मेरा ए है सेंटर से और ये डिस्टेंस भी मेरा ए है। ओके, अगर यहां डायरेक्शन की बात करें तो पहले ये लाइन ज्वाइन कर दूं, राइट। तो अलोंग दिस लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, है कि नहीं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। आई वाज समझ में? अब जो है अगर इसके कंपोनेंट लिए जाएं और ये मैं बोल दूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस नेट फील्ड विल बी जीरो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो एक्स एक्सिस नेट नेट जीरो हो जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग देयर इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुज वैल्यू इज टू टाइम्स ऑफ ईदर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, लेट्स से ई क्यू साइन थीटा। ओके, अब ई क्यू है कितना?
ये r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गई डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एज इन दिस डिस्टेंस स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस है पॉइंट पी का, चार्ज से जो डिस्टेंस है वो मैटर करेगा, राइट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ये, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू टाइम्स ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ थीटा, ओके। तो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करके इंटू साइन थीटा लिख देता हूं, तो ये मेरी हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 2KQ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये थीटा है, साइन थीटा हो जाएगा a डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, 2KQA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ओके। अगर मैं r को बाहर निकाल लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2QKA डिवाइडेड बाई आर क्यूब 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, ओके। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं जानने की कोशिश करूं प्लस क्यू और माइनस क्यू का साथ में। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और माइनस क्यू जो कि एक टू ए डिस्टेंस से सेपरेटेड है, राइट। अब सिचुएशन यहां पर ये है, ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विच इज 2a। ये सिनेरियो बहुत ही कॉमन है नेचर में, आपको आइसोलेटेड चार्जेस नहीं मिलेंगे लेकिन इस तरह का सिनेरियो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल एक ऐसा केस है जिसमें एच पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है और सीएल पे स्मॉल नेगेटिव है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द बॉन्ड लेंथ, राइट। इस तरह के ढेरों सिनेरियो हैं, ऑलमोस्ट एवरी पोलर मॉलिक्यूल हैज सम सिचुएशन लाइक दिस। उसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू जहां भी आप उसका अफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, राइट। इसलिए अगर हम इसको उस सिनेरियो के बारे में अगर इसको ढालें तो हम बोल सकते हैं कि इफ ए इज वेरी लेस देन आर, मतलब कि ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये लाइक बॉन्ड लेंथ है और ये आर उससे बहुत दूर है, तो मैं a बाई आर को इग्नोर कर सकता हूं, राइट। देन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k टाइम्स 2aq डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे जो है यहां पे सिंस ये जो सिनेरियो है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, सिनेरियो बहुत ही कॉमन है, तो इस सिनेरियो को मैं एक नाम दे देता हूं, राइट। इस सिनेरियो का नाम है कि इसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, राइट। अगर इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं तो मुझे इसको एक डेफिनेशन देना होगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मुझे इसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई कैसे करूंगा, क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है, चार्ज, एक चार्ज स्पेसिफाई कर दिया तो दूसरा तो नेगेटिव चार्ज होना ही है सेम मैग्नीट्यूड का, राइट। और क्या है दोनों के बीच डिटेल, डिस्टेंस है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस मैं बोल देता हूं डाइपोल मोमेंट है, राइट। तो उस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिफाइन कर लेते हैं। और एक और चीज, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट को भी एज अ वेक्टर डिफाइन करना ठीक रहेगा, राइट। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो इस तरह से लेते हैं कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलराइट। तो चलिए अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं। ये 2a into q क्या है, 2a into q जो है डाइपोल मोमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। और इसको हम लोग इस तरह से फिर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज
k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब, राइट। और अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने जाइएगा तो क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p वेक्टर, माइनस k p वेक्टर बाय r क्यूब, इजंट इट। क्योंकि p वेक्टर तो ऐसा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है उसके एग्जैक्टली अपोजिट, तो माइनस p लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अलोंग दिस लाइन, और इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं, ऑलराइट। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑलराइट। चले अब इक्वेटोरियल प्लेन में तो निकाल लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग एक्सियल फील्ड भी निकाल लेते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, क्यू और माइनस क्यू ऐसे रखे हुए हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच में 2a है। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉइंट p पे जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट पे जान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी कहां पर है। माइनस q की जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में है, राइट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। और यहां पे हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, राइट। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, माइनस क्यू की ज्यादा है स्ट्रेंथ, बिकॉज ये माइनस क्यू के ज्यादा पास में है, राइट। तो हम लोग चलो नेट फील्ड लिख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस ए होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस तो a है, राइट, और ये डिस्टेंस भी a है, तो इस तरह से हम लोग इसको r माइनस ए लिख सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इसका और इस पॉइंट का r माइनस ए ही तो है। माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस ए होल स्क्वायर, राइट। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट। अब अगर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये कुछ इस तरह की रूप ले लेगा, 4a क्यू, यहां पे 2ar आएगा, यहां पे माइनस टू ए आर आएगा, सो ये 4a r हो जाएगा यहां पे, डिवाइडेड बाई r टू द पावर 4 अगर मैं बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट। ये हो गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और एक r यहां से कैंसिल हो जा रहा है इस तरह से, ये r क्यूब हो गया। अब तो अगर यहां पर अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं कि ये समझ लीजिए डाइपोल है, तो क्या होगा, ए जो है बहुत छोटा हो जाएगा आर के कंपैरिजन में, तो इसको मैं लिख सकता हूं के क्यू बाई के क्यू इंटू फोर ए डिवाइडेड बाई आर क्यूब, राइट। ए बाई आर जो है क्लोज टू जीरो हो गया, तो ये चीज जो है जीरो हो जाएगी, ऑलराइट। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, वेक्टर मेरे पास अवेलेबल है डाइपोल मोमेंट का पी, पी जो है ऐसे जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नेट नेट कहां है, इस तरफ, तो ये डाइपोल मोमेंट की तरफ ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां पे जाता हूं तो किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फेंकेगा और नेगेटिव चार्ज इस तरफ लेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो यहां पे भी इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलराइट। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखूं इन अ वेक्टर फॉर्म, तो मैं इसको k इंटू टू पी बाई आर क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हमने डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिए इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे, राइट। ये हमारी जानकारी में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पे डबल होती है इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ऑलराइट। तो इस तरह से हमने डिराइव कर लिया है, और ये आप देखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखा है, क्यों,
क्योंकि एक्सपेरिमेंटली मेरे दोस्त चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बट डाइपोल मोमेंट आराम से निकाला सकता है. देयर आर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स. जैसे कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट HCl मॉलिक्यूल अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं, तो वहां से मैं जो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसके रिस्पेक्ट में मैं डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूं. तो मतलब कि q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका निकालना q निकालने के से ज्यादा आसान है. ठीक है, तो इसलिए मेरा p के टर्म में लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा सेंस रखता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली p जो है इजिली निकल आता है. ऑलराइट,